कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका प्रभाग 20 पानी की टंकी के पास जब वो प्रोजेक्ट लगाया गया जिसके चलते गीले व सूखे कचरे का वर्गीकरण होता है, तो उस प्रोजेक्ट का विरोध किया वहां के स्थानीय नागरिकों ने। इसी के चलते उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी विनोद केनी की ओर से उन्हें समझाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन विरोध ज्यों का त्यों रहा। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। आमचे वार्ड मध्ये जसे नगर सेवक झाले तसे कर्मचारी महानगरपालिकेतून येतात, पण ते जवळच खालती टेकड्याच्या खालती असतं तेवढा कचरा उचलतात, त्याच्यानंतर ते त्यांचा वेळ बघत नाही, काय बघत नाही आणि निघून जातात। पण प्रश्न ही हो, आम्ही वोटिंग देणारे टेकड्याच्या वरच्यापर्यंत ज्या टायमाला नगरसेवक पोहायसाठी आमच्यापर्यंत येतात तर कचऱ्यावाल्यांनाही आमच्या दारापर्यंत पाठवलं पाहिजे, तर आम्हाला घाणीमध्ये राहायचं नाही आहे म्हणून आम्ही कचऱ्यावाल्यापर्यंत आम्ही कचरा पाठवणार। ओला सुका कचरा पाहिजे तर आम्ही ओला सुका कचरा वेगळा वेगळा काढून तुम्हाला आम्ही सहकार्य करू, पण आमच्या इथं कचरा आणून टाकणं म्हणजे आम्ही पहिलेच गरीब आहे, आम्हाला पहिलेच आम्हाला पैशांची कमी आहे, आम्ही हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरणार म्हणजे आम्ही मरायच्या तोंडाला बसणार। त्याच्यामुळं हात जोडून विनंती आहे की आम्हाला सहकार्य करा, आम्हाला कचऱ्यापासून मुक्त करा आणि संडासाचे दरवाजे प्लीज बसवायची कृपा करा। संडास बनवून दिलेले पण त्याला दरवाजे बसवायला टाईम नाही आहे, त्याशिवाय संडास साफ करायला यायला कोणी कुणाला टाईम नाही आहे। आमचे सगळे बायकांना खूप त्रास होतो। उल्हासनगर महापालिकेने 16 आणि 20 नंबर पॅनेलसाठी सुप्रीम कोर्टच्या आदेशाला अधीन राहून जो कचरा वर्गीकरणाचा प्रकल्प पाटेलनगर पाण्याच्या टाकीच्या कंपाऊंडमध्ये जो करण्याचा योजना, त्यांना आमच्या सर्व पब्लिकचा विरोध आहे। विरोध असण्याचं कारण हेच महत्त्वाचं आहे की एकाच पॅनेलमध्ये, हे 20 नंबर पॅनेलमध्ये याने कचरा वर्गीकरण केंद्र सुरू केलं आणि ह्या 20 नंबर पॅनेलमध्येच एक डम्पिंग ग्राउंड आहे महापालिकेचं। ते महापालिकेचंही नाही आहे, ते अनधिकृतच आहे, परंतु तरीही सुरू आहे आणि एकाच ठिकाणी ह्या दोन गोष्टी शासनाच्या महापालिकेने लादवल्या, सुप्रीम कोर्ट आदेश आहे, ह्या पब्लिकला कशासाठी ह्याला विरोध राहील। नेहमी महापालिकेचा विशेषतः विनोद केणे आणि PWDचे काही अधिकारी यांनी पब्लिकला लोकांना विश्वासात न घेताना हे जे वर्गीकरण केंद्र आहे हे चुकीचं आहे, अनधिकृत आहे, कारण की ह्याचा प्लॅन हे सुद्धा पब्लिकला दाखवलेला नाही आहे। कुठे पब्लिक नोटीस नव्हती याची की आम्ही ह्या या ठिकाणी कुठल्याही शासनाच्या नियमानुसार नोटीस द्यावी लागते, कोणतं वर्गीकरण केंद्र कचऱ्याच्या संबंधित असेल तर तिथे पब्लिक नोटीस ऑब्जेक्शन घ्यावं लागतं। जिथे वर्गीकरण केंद्र सुरू केलं आहे त्याला अगदी लागूनच पाण्याची आपली महानगरपालिकेची पहिली MGBकडे होती ती पाण्याची टाकी आहे, त्याच्यात म्हणजे जास्त दशलक्ष लिटर पाणी राहतं, त्याच पाण्याच्या टाकीवर साधे झाकणं बसू शकत नाहीत अशा ठिकाणी, किंवा गेटसुद्धा नाही आहे त्या पाण्याच्या टाकीच्या कंपाऊंडला, अशा ठिकाणी वर्गीकरण सुंदर केलं म्हणजे उद्याना काही कोणत्याही प्रकारची हानी कोणी केली तर त्याला जबाबदार महापालिका प्रशासन विनोद केणी ज्यांनी हे प्रपोजल आणलं की सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, त्यामुळे ह्याला जबाबदार कोण हा पब्लिकला प्रश्न पडला आहे। इथे असणाऱ्या समस्त महिला वर्गांतर्फे ही कैफियत आम्ही शासनाकडे मांडत आहोत, महापालिकेकडे मांडत, आयुक्तांनी ह्याचा विचार करावा, चौकशी करावी, इथे हे वर्गीकरण केंद्र बंद करून हे वर्गीकरण केंद्राची इमारत अशीच पडून राहू नये, त्याचं समाज मंदिर डिक्लेअर करावं, ही आमची मागणी राहील। प्रभाग 20 से इस प्रोजेक्ट को हटाने की मांग का विरोध जब तेज हुआ तो हमने ली मुलाकात उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी विनोद केनी के साथ। देखते हैं इस पूरे विषय पर वो अपनी ओर से क्या जानकारी दे रहे हैं। लास्ट अगर कैंप क्रमांक 5 की यदि बात करेंगे तो वहाँ पर कचरे की कुछ समस्याओं को लेकर, कचरे के कुछ विवाद को लेकर, सेग्रीगेशन के कुछ चीज़ों को लेकर जो है विवाद चला, तो किस प्रकार की पूरी परिस्थिति है वो जानने के लिए हमारे साथ केनी जी हैं, उल्लासनगर महानगर पालिका से अधिकारी। तो सर जानना चाहेंगे कि आज जो है महिलाएँ जो कि आई थी जिसके बाद आपने जो है वहाँ पर दौरा भी किया, तो किस प्रकार का दौरा था, क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर सेग्रीगेशन के इस पूरे मुद्दे को लेकर। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो केंद्र शासन के और राज्य शासन की गाइडलाइंस है उसके आधार पे और जो उल्लासनगर महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो DPR सैंक्शन हुआ है उसके आधार पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए उल्लासनगर महापालिका प्रयास कर रही है। इस अंतर्गत हमें शहर भर में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कुछ तैयार करने हैं जिसके चलते शहर का अलग अलग हिस्से में जो कचरा निकलता है उसको वर्गीकरण करके उसको डिस्पोज करना है, उसको बायोकल्चर उसका गीले कचरे से बनाना है और सूखा कचरा बेचना है रैक पिकर्स द्वारे, या तो फिर वो हमारे डंपिंग यार्ड पे जाएगा जहाँ
जहाँ पे हम कचरा निर्गत करते हैं, उस आधार पे जो गवर्नमेंट के तरफ से भी फंड आ चुका है और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हम शहर भर में 3 बना रहे हैं, विंड्रो प्लेटफॉर्म जहाँ पे कचरा जमा करके जो शहर भर का है वो सेग्रीगेट करके फिर उसको हम उससे बायोकल्चर बनाएंगे। तो प्रेमनगर टेकड़ी पे एक ऑलरेडी हमने शेड बना चुके हैं और वहाँ पे कल हम गए थे और वो सेग्रीगेशन का जो काम है वहाँ पे शुरू किया था। तो वहाँ के जो लोकल पीपल है वो वहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता है, इसका बदबू आएगा ऐसे कह के उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनको हमने समझाया है कि ये जो काम है ये आपके ही घर से निकला हुआ जो कचरा है वो हम लोग जमा करके यहाँ पे सेग्रीगेट करके फिर गीले कचरे कंपोस्टिंग करेंगे और सूखा कचरा अलग उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे कचरे का कौन सा भी कचरे की वजह से दुर्गंधी या नहीं आएगी इसके हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। सर यहाँ पे जिस तरीके से बात करेंगे तो महानगर पालिका द्वारा जो कि पहले शहर में एक डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, अब चलो वो तो ठीक है बंद हो चुका है, कुछ उसमें दिक्कतें नहीं, लेकिन शहर का जो 5 नंबर में शिफ्ट किया हुआ जो डंपिंग ग्राउंड था उसको भी लेके जो है NGT ने हाल ही में जो कि इलेक्शन के पहले भी जो है ये आदेश दिए थे कि उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो डंपिंग ग्राउंड के लिए जब हमारे पास जगह नहीं है, लैंड नहीं है, तो हम सेग्रीगेशन अगर इस तरीके से कहीं करते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं रेसिडेंशियल एरियाज में, तो इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जब सेग्रीगेट आप करोगे उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं केमिकल चीज़ें जो है रिएक्ट में होगी, ये ऐसी चीज़ें हो सकती है क्या, ये जानना चाहेंगे। इसके लिए कितनी परीक्षण किए ताकि लोग समझ पाए कि इससे कोई दिक्कतें ना होगी? बिल्कुल नहीं, इससे कौन सी भी केमिकल या इससे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बायोकल्चर हम लोग उसके ऊपर कंपोस्टिंग करने वाले हैं गीले कचरे से, उससे लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ये शासन ने दी हुई गाइडलाइन से उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। और महानगर पालिका को आपको मालूम है उल्लासनगर क्षेत्र सिर्फ 13 किलोमीटर है और उसमें हमें कहीं भी बड़ा प्लांट जहाँ पर हम कचरे की प्रोसेसिंग कर सके इसके लिए जगह नहीं है। और NGT ने भी हमें आदेश दिए हैं कि आप जगह नहीं है तो महाराष्ट्र शासन से या कंसर्न अथॉरिटी से आप जगह उपलब्ध करा के ले, और उस हिसाब से हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में जगह नहीं होने के कारण आप हमें महापालिका के 20 किलोमीटर के पेरीफेरी में कहीं भी जगह उपलब्ध करा के दे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।